बस मन कर रहा है कि आप लोगों से बात करते जाएं करते जाएं, और मंद मंद हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा है, पीछे रागनी चल रही है, माँ के भजन चल रहे हैं, भक्त आ रहे हैं जा रहे हैं। तो कुछ तो चीज़ें हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर पीर मजार मठ समाधि कहीं पर भी कुछ भी हो, कभी इस बात पे गौर किया है कि ज़िंदगी में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है? सुकून, खुशियाँ, पैसा, परिवार, गाड़ी, बंगला, पता नहीं किस किस चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं। टुडे इज़ वीडियो नंबर 100 एंड दिस इज़ लेसन नंबर 100 इन दिस सीरीज़ ऑफ 365 चैलेंज 2022 एंड हेयर वी आर इन बिटवीन। तो माँ के आंगन में बैठे हुए हैं फ़िलहाल, ठीक है, और मैं कुछ स्पेशल करना चाहता था आज के दिन, और मेरे ख्याल से इससे स्पेशल वीडियो नहीं बन सकती कि व्हेन यू आर सिटिंग इन द हेवन। कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग या नर्क मिलता है, बट ये भी कहा जाता है कि स्वर्ग किसने देखा, तो स्वर्ग या नर्क यहीं पर है, इसी धरती पे है, और वो यहाँ पे मिलता है फिलहाल जहाँ पे मैं हूँ, मनभोरी धाम। और आंगन के बीच में बैठा हुआ हूँ, साथ में आप अगर देखोगे तो पंडित जी सो रहे हैं और कोई रोक टोक नहीं है किसी को, ठीक है, भगत आ रहे हैं जा रहे हैं। और अभी फ़िलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सुबह के 3:30 बज रहे हैं और आरती होने का टाइम, आरती स्टार्ट होने का टाइम होने वाला है, तो 4:15 आरती स्टार्ट हो जाएगी। और बस यही, आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी थी, तो व्हेन यू आर सिटिंग एट अ प्लेस व्हेन देयर इज नो वन डिस्टर्बिंग यू, नोबडी इज मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, कोई हक नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं, बस प्यार, शांति और चैन, अमन, इसे कहते हैं सुकून, ठीक है। टेम टेम की बात भी है, एक लेसन ऑलरेडी बना चुका हूँ कि अभी रात के 3:30 बज रहे हैं, इस वजह से माँ के आंगन में बैठा हूँ, अदरवाइज यदि यही काम दिन में होता तो कोई नहीं बैठने देता, और हो सकता मैं खुद ना बैठता, ठीक है, तो वो चीज़ भी मायने रखती है। और आप लोगों को आसपास का दिखाता हूँ एक बार दरबार, आसपास पूरा मंदिर सजाया हुआ है, ठीक है, भजन आप लोगों को सुनाई दे रहे होंगे पीछे, मेरे पास शब्द नहीं है यार बयान करने के लिए इन चीज़ों के लिए, ना सीख रहा हूँ अभी कैसे बयान कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बोलते हैं। आई एम अ बिट वीक इन वोकैब्स, अ बिट वीक इन एक्सप्रेशंस, लो पावर ऑफ एक्सप्रेशन, बट स्टिल वर्किंग ऑन इट। और ये पल कुछ लोग बोल देते होंगे एन्जॉय करो, खुश रहो, आई से फील इट, फील दिस मोमेंट। और जब भी कहीं पर आप लोगों को मौका मिलता है, कल वाली वीडियो में यही बात मैं कर रहा था कि लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मन्नतें पूरी होती हैं, तब जाके लोग
वापस आते हैं, दोबारा आते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर पीर मजार मठ समाधि कहीं पर भी कुछ भी हो, लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो वो गीत भी है एक कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे घुसैया, कोई अल्लाह। सो सेम अप्लाइज टू ऑल ऑफ यू। धर्म लाने से पहले इंसानियत वाला धर्म सीखो, ठीक है। मेरे बहुत से दोस्त हैं, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, साथ में काम करने वाले, साथ में ना भी काम करने वाले, साथ में रहने वाले, जो अभी भी वही बस हिंदू मुस्लिम अभी भी भिड़ रहे हैं। बनो कट्टर हिंदू, बनो कट्टर मुस्लिम, बनो, अपने धर्म को बचाओ, लेकिन दूसरे धर्म को भी बचाना मेरे हिसाब से सर्वधर्म है, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, पहले खुद के धर्म के बारे में पूरी चीज़ें पढ़ो, उसके बाद किसी दूसरे धर्म पे कुछ बोलो, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं पूरे दिन बात कर सकता हूँ। तो आप लोगों के लिए आज की स्पेशल वीडियो स्ट्रेट फ्रॉम दी आंगन ऑफ माँ बन बोरियाली, और खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या अहमदाबाद रहो या सिकंदराबाद रहो। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अगर आपकी तरफ से कुछ और आप लोग बोलना चाहते हैं, कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो आप लोगों के सुझाव प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के सुझाव मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं, मेरे लिए एक कैप्सूल्स का काम करते हैं, दैट विल एनकरेज मी टू कम विद द वैराइटीज़, कम विद द मोर इंटरेस्टिंग एनचेंटिंग वीडियोज़। तो ये आज की वीडियो, और मन नहीं कर रहा फ़ोन बंद करने का, और मन कर रहा है कि आप लोगों से बात करते जाएं, और मंद मंद हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा है, पीछे रागनी चल रही है, माँ के भजन चल रहे हैं, भक्त आ रहे हैं जा रहे हैं। कुछ तो फील है, कुछ तो चीज़ है उस मोमेंट में, कुछ तो बात है इस जगह की, हर जगह की। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, नो सोरो, अंटिल टुमारो। जय हिंद, जय भारत, राम राम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता की।